हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉली दयाल एंड मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग सभी बहुत ज़्यादा अच्छे एंड सेफ होंगे। सो आई नो कि आज थर्सडे नहीं है, आज ट्यूसडे है, बट फिर भी मैं ये मेकअप वीडियो जो है वो अपलोड कर रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया था। एक मेरी एक सब्सक्राइबर है, शैलू वर्सू नाम है उनका, तो उन्हें आज शाम 5:30 बजे एक बर्थडे पार्टी में जाना है, तो इसीलिए उनको रेडी होना है। तो उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट किया कि क्या आप अभी एक बर्थडे मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि अगर उन्हें रेडी होना है बर्थडे मेकअप के लिए तो यूट्यूब पे इतने सारे भरे भरे मेकअप जो है वो पड़े हुए हैं। बट फिर भी उन्होंने मुझसे कहा कि दी आप एक मेकअप लुक क्रिएट करो, तो मैंने सोचा चलो ये एक छोटा सा चैलेंज हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि आज ही उनको 5:30 बजे जाने हैं और मुझे अभी अभी ये मेकअप लुक क्रिएट करना है। तो मैंने फटाफट से ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, इसको एडिट किया है एंड फटाफट से इसको अपलोड किया है। तो आई होप शैलू कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। लाइक करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, मेरा कंटेंट जो लाया हुआ है मेरा वो आप लोगों को पसंद आता है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक किस तरीके से क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 नेचुरल का एक्वा एलोवेरा जेल, एंड इसको मैं एज अ प्राइमर एंड एज अ मॉइस्चराइज़र मैं इसको अपने पूरे फेस पे अपने हाथों की हेल्प से अच्छे से लगा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइमर है ये एलोवेरा जेल, नॉन स्टिकी है, हाइड्रेटेड करता है आपके फेस को। गर्मियाँ आने वाली है तो सन से भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड करता है एलोवेरा, एज यू नो आप सबको पता ही होगा। डेली वेयर में भी आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप इसको परचेज कर सकते हो। एंड पूरे फेस पे मैं इसको अच्छे से अपने हाथों से मैंने इसको लगा लिया है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गार्नियर का बीबी क्रीम, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, तो अगर आपका स्किन किसी भी तरीके का है आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड मैं इसको अपने फेस पे फिंगर की हेल्प से डॉट डॉट पोर्शन में पहले मैं इसको लगा रही हूँ। एंड मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में अच्छे से गीला करके फिर उसको अच्छे से मैंने उसका सारा पानी निकाल दिया है। एंड इस तरीके से मैं मेरे बीबी क्रीम को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आपका मेकअप जो है वो अच्छे से निखर के आएगा। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फ़ोटो फोकस कंसीलर। जो शेड है इसमें मेरा वो है लाइट मीडियम बेज, एंड जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़े बहुत डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है मैं उसको इस कंसीलर से हाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे आपका मेकअप उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, तो ब्लेंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन सब को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का वेटलेस स्टे मैट कॉम्पैक्ट, SPF 20 है, विटामिन ई है इसमें, शिया बटर है, एंड इसमें जो शेड है मेरा वो है नेचुरल 02। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिगनर्स एंड टीनेजर्स के लिए काफ़ी प्यारा कॉम्पैक्ट है ये। एंड इससे मैं मेरे बेस को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकन ब्लश, एंड जो शेड है मेरा इसमें वो है एप्रिकॉट। काफ़ी प्यारा पीची न्यूड कलर है ये, एंड ये थोड़ा सा शिमरी है, तो आपको अलग से हाइलाइटर यूज़ करने की अपने चीक्स पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको अपने दोनों चीक्स पे अच्छे से लगा ले रही हूँ, एंड इसी को मैं थोड़ा सा अपने नोज़ पे भी अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा अपने फोरहेड पे।
ओके, तो ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने जैकलम हील आई शेडो पैलेट से मैंने एक रस्ट कलर को पिक किया है। ये कलर मुझ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड उसको मैं मेरे पूरे आईलिड पे, क्रीज पे अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जितना ज़्यादा आप मेकअप को आई शेडो को ब्लेंड करोगे वो उतना ही उभर के आएगा, तो ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एक रस्ट कलर से मैं मेरे आँखों पर उसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ एंड उसी रस्ट कलर को मैं मेरे आँखों के लोअर लैश लाइन पे भी मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ, अंडर आई एरिया पे भी उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सुइस ब्यूटी का अल्टीमेट आई शेडो पैलेट, नंबर है ये 07 एंड इसमें से मैंने ये एक कौन सा कलर है, ये आई गेस ब्राउन कलर है, ब्राउन नहीं कैरेट समथिंग इसी टाइप का कुछ कलर है एंड ये थोड़ा सा शिमरी है एंड इसको मैं मेरे फिंगर की हेल्प से अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है मैं बता नहीं सकती आपको एंड प्राइस भी ये 200 के अंडर ही है। उसके बाद मैं सारे मेक आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन जो है वो मेरी आँखों पर ना दिखे, जो मेरा आई शेडो है वो किरकी ना लगे। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क का द कोलोसल बोल्ड लाइनर एंड इससे मैं एक विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वेगा का आईलैशेस कर्लर एंड इससे मैं मेरे आईलैशेस को अच्छे से कर्ल कर लूँगी ताकि उसके बाद जब मैं मस्करा लगाऊँ तो मेरी जो आईलैशेस है वो अच्छे से पॉपअप होके आए। मस्करा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क का दी हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्करा एंड इसको मैं मेरे अपर एंड लोअर दोनों लैश लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। काफ़ी अच्छा मस्करा है ये, वाटरप्रूफ है, समर्स के लिए दी बेस्ट है। तो मैं इसको अपने आँखों के अपर एंड लोअर दोनों लैश लाइन पे अप्लाई कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं मेरी आंखों के इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ जिसके लिए मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड के ही आई शेडो पैलेट को एंड उसमें से मैंने ये सिल्वर कलर को चूज़ किया है। उसके बाद मैं भूल गई थी कि मुझे आईब्रो भी फिल करने हैं तो मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ जिसमें आपको एक साइड पर स्पूली मिलता है एंड दूसरे साइड पर आईब्रो पेंसिल मिलता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक नेचुरल्स के का लिपस्टिक, एक बुलेट लिपस्टिक है ये एंड इसमें जो शेड है मेरा वो है बॉन्ड गर्ल, काफ़ी प्यारा पीची शेड है ये, आप देख सकते हो। सो यार, मेरा ये मेकअप लुक जो है वो क्रिएट हो चुका है। आई होप शैलू कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऑल्सो मुझे अदर सोशल मीडिया साइट पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो जितने भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस मेकअप को क्रिएट करने में लगाया है उन सब के नाम भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू सो मच, बाय बाय।